रोमन रेंस का रेसलमेनिया ओपोनेंट कौन होगा? द शील्ड का रियूनियन हुआ पक्का, ब्रॉक लेसनर बने सबसे ज्यादा कमाने वाले रेसलर और मुस्तफा अली के रिटर्न पर आया बड़ा अपडेट। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गौरव और आप देख रहे हैं WWE हिंदी गॉसिप्स। WHG तो गाइज आज की इस वीडियो में हम एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, पूरी चार खबरें कवर करेंगे। सबसे पहले बात कर लेते हैं द बीस्ट ब्रॉक लेसनर की। तो काफी बड़ी खबर आ रही है दोस्तों, सन स्पोर्ट्स के अनुसार ब्रॉक लेसनर बन चुके हैं सबसे ज्यादा पैसा कमाने वाले रेसलर। तो इस रिपोर्ट के अनुसार ब्रॉक लेसनर प्रत्येक फाइट के 375,000 पाउंड ऐंठ रहे हैं, यानी कि दोस्तों हर फाइट के 3.5 करोड़ रुपए वो ले रहे हैं WWE से, जिसके चलते दोस्तों वो बन चुके हैं नंबर 1 रेसलर जो कि सबसे ज्यादा पैसा ले रहा है करंट टाइम में। और यहां दोस्तों उनकी जो पूरे एनम की यानी कि पूरे साल की कमाई बताई जा रही है, वो बताई जा रही है $12 मिलियन, जो कि काफी ज्यादा, एक तरीके से आप कह सकते हैं कि ब्रॉक लेसनर काफी अमीर है। लेकिन दोस्तों यहां दूसरे नंबर पर है जॉन सीना। बट अब हम चलते हैं आज की दूसरी बड़ी खबर के ऊपर जो कि जुड़ी हुई है द शील्ड से। तो दोस्तों द शील्ड के रियूनियन पर एक नया अपडेट आ चुका है। द शील्ड के रियूनियन को हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन दोस्तों यहां रिपोर्ट्स की माने यानी कि रेसलिंग ऑब्जर्वर रेडियो की माने तो इस सोमवार को आपको द शील्ड रॉ के अंदर यूनाइट होते हुए नजर आ सकती है, जहां दोस्तों डीन एम्ब्रोस फिर से अपने बड़ीज यानी कि सेथ और रोमन रेंस को ज्वाइन कर सकते हैं। वहीं आप कहेंगे कि ये चीज तो मैं पहले भी बता चुका हूं, लेकिन दोस्तों यहां एक्सपर्ट्स ने ये चीज कही है तो डबल कंफर्म हो गया है। और यहां दोस्तों द शील्ड फिर से रियूनाइट होगी। लेकिन अब हम चलते हैं आज की तीसरी बड़ी खबर के ऊपर जो कि जुड़ी हुई है मुस्तफा अली से। तो मुस्तफा अली दोस्तों एक कंकशन के चलते WWE से दूर है, जो कि एलिमिनेशन चेंबर से पहले आ गया था उन्हें, और वहां दोस्तों उन्हें रिप्लेस किया था कोफी किंगस्टन ने, और कोफी के काफी अच्छे दिन चल रहे हैं। तो यहां कई लोग भूल चुके कि मुस्तफा अली कहां है। तो मुस्तफा अली के फैंस के लिए काफी अच्छी खबर आ रही है। मुस्तफा अली ने कहा है ट्विटर के ऊपर कि वो बिल्कुल तैयार है। हाल ही में दोस्तों उन्होंने ये तस्वीर डाली, जो कि डाली है बीते कल, जिसके कैप्शन में दोस्तों उन्होंने लिखा है कि मैं बिल्कुल तैयार हूं कोच। और यहां दोस्तों मुस्तफा अली के अनुसार तो सब कुछ ठीक है, लेकिन शायद WWE अभी उन्हें लॉन्च नहीं करेगी, क्योंकि दोस्तों WWE पहले उनका चेकअप करेगी, पहले देखेगी कि वो ठीक है पूरे तरीके से कि नहीं, यानी कि मेडिकली क्लियर उन्हें होना पड़ेगा WWE की टीम के द्वारा, और उसके बाद वो अपना फिर से रिटर्न कर पाएंगे स्मैकडाउन लाइव के अंदर। और यहां दोस्तों 1 से 2 हफ्ते उन्हें लगने वाले हैं। वेल, मुस्तफा अली शेप में है, काफी अच्छी चीज है, और जल्द उनका रिटर्न देखने को मिलेगा। लेकिन अब हम चलते हैं आज की मेन खबर के ऊपर जो कि जुड़ी हुई है बिग डॉग रोमन रेंस से। तो रोमन रेंस का रेसलमेनिया 35 के अंदर ओपोनेंट कौन होगा, एक बहुत बड़ा सवाल है। कई लोग यहां कई दूसरे रेसलर्स को इमेजिन कर रहे हैं उनके साथ, काफी बड़ी चीजें सोच रहे हैं। कई लोग ये सोच रहे हैं कि रोमन रेंस मेन इवेंट करेंगे रेसलमेनिया 35 को। तो दोस्तों बता दूं, ये सारी स्पेकुलेशन बेबुनियाद है और ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। रोमन रेंस दोस्तों काफी समय बाद लौटे हैं और उन्हें कोई मेन इवेंट के अंदर मैच नहीं मिलने वाला है। और यहां दोस्तों जो बड़ा मैच मिलेगा वो मिलेगा सेथ रॉलिंस को। रोमन रेंस को मिल सकता है एक सिंगल्स मैच, जो कि हो सकता है 3 बड़े रेसलर्स के खिलाफ। यहां दोस्तों 3 रेसलर्स के खिलाफ वो नहीं लड़ने वाले हैं। यहां 3 रेसलर्स के नाम बताए जा रहे हैं। पहले दोस्तों जॉन सीना, दूसरे दोस्तों डीन एम्ब्रोज, और तीसरे आपके ड्रू मैकइंटायर। तो बात कर ली जाए कि मुझे क्या लगता है कि कौन सा मैच होगा, तो यहां मुझे लगता है दोस्तों रोमन रेंस वर्सेस ड्रू मैकइंटायर होगा। अब ऐसा क्यों है, क्योंकि दोस्तों अगर आप देखेंगे तो जॉन सीना वर्सेस रोमन रेंस पहले ही हो चुका है, जिसके अंदर रोमन रेंस जीते हैं। वहीं दोस्तों बात कर ली जाए डीन वर्सेस रोमन की, तो डीन जाने वाले हैं WWE को छोड़ के, और ऐसे में लोग नहीं चाहेंगे कि डीन हार कर जाए, और अगर वो हारते हैं तो उसका नुकसान दोस्तों रोमन रेंस को ही झेलना पड़ेगा, तो ये मैच भी पॉसिबल नहीं है। वहीं बात कर ली जाए रोमन रेंस वर्सेस ड्रू मैकइंटायर की, तो ये मैच काफी पॉसिबल लगता है, क्योंकि दोनों पावर हाउस है, और अगर मैच होता है तो देखना इंटरेस्टिंग भी होगा कि कौन इस मैच को जीतता है। तो गाइज मेरे अनुसार ड्रू वर्सेस रोमन मैच होगा, लेकिन आप कौन सा मैच देखना पसंद करेंगे आज के कमेंट बॉक्स में बताना मत भूले। वेल दोस्तों आज की वीडियो इतनी सी थी, आज तक के लिए इतना ही। धन्यवाद, शब्बा खैर।